क्या आप लोगों को लगता है सिर्फ पवन सिंह ही पावर स्टार हैं? सिर्फ ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल ही ट्रेंडिंग स्टार हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री में और कोई नहीं है। मरना क्या भोसड़ी के? अगर आप लोग ये बात समझ रहे हैं या सोच रहे हैं कि सिर्फ दोनों के वजह से ही भोजपुरी इंडस्ट्री चल रहा है तो एकदम से गलत है। अगर मैं बोलूं कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव अगर चल रहे हैं तो किसी ना किसी फीमेल सिंगर्स के सपोर्ट के वजह से चल रहे हैं तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। एकदम से आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर बताने वाले हैं कि ट्रेंडिंग स्टार आखिर में आज के डेट में कौन है और पावर स्टार आज के डेट में कौन है। जी हां, आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और हां, मैं बता दूं आप लोगों को कि मेरा नाम है टोनी आर्यन और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा एडवेंचर हब। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं एकदम से कंप्यूटर स्क्रीन पर ट्रेंडिंग सेक्शन में चल करके कि आज के डेट में किसका गाना कर रहा है और पवन सिंह आखिर में कर क्या रहे हैं। देखिए, तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ, यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ। यूट्यूब पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंडिंग सेक्शन है। ट्रेंडिंग सेक्शन में जैसे ही मैं क्लिक किया तो यहाँ पे मेन सेक्शन सबसे पहले आता है, ठीक है। नाउ जो है मेन सेक्शन है और मेन सेक्शन में अभी तक किसी भी भोजपुरी इंडस्ट्री का गाना नहीं, आपको दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा। खैर, मैं बात भी नहीं करूंगा म्यूजिक मेन सेक्शन में, क्योंकि म्यूजिक में जो मेन सेक्शन में आता है वो इक्का दुक्का का ही गाना आता है, जो कि आप लोग भी मालूम होगा, आप लोगों को सही जानकारी होगी। लेकिन मैं म्यूजिक पे आता हूँ क्योंकि गाना म्यूजिक है, ठीक है। गाना मतलब म्यूजिक, तो म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंडिंग सेक्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमें। आने के बाद अब देखिए, बहुत सारे गाना जो बॉलीवुड के है वो ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अब भोजपुरी गाने का मुझे चेक करना है, क्योंकि मैं भोजपुरी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कहाँ पे आ गया, ये देखिए, ठीक है। तो खेसारी लाल यादव जी से भी ज्यादा टॉप पे चल रही हैं शिल्पी राज, जो कि फीमेल सिंगर हैं। वेब म्यूजिक से इनका गाना आया था, दो दिन हुआ है, 1.2 मिलियन व्यूज है, ठीक है, वेब म्यूजिक से है, ठीक है। तो खेसारी लाल यादव जी का गाना भी आप देख सकते हैं इनके नीचे है, ठीक है। आम के स्वाद करीबन चार वीक, मतलब एक महीना क्रॉस कर गया है, 18 मिलियन इनके वीडियो पे व्यूज है, लेकिन एक महीना हो गया अभी भी ये ट्रेंडिंग सेक्शन से नहीं उतरा है, ठीक है। इसके बाद तुरंत आप देख सकते हैं सनीचर के फर्नीचर, ये भी गाना भी ट्रेंड कर रहा है, ये 12 दिन हो गया है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं 9 दिन हो गया है, चांद बेवफा निकला, ठीक है। तो ये है आपका, देख सकते हैं रितेश पांडे जी का गाना, बहुत ही सैड सॉन्ग और बहुत ही प्यारा गाना है, लेकिन इसके बारे में भी मैं बात नहीं करूंगा। बात करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं चांदी के चिलम, ये है प्रमोद प्रेमी जी का गाना, ठीक है। अब प्रमोद प्रेमी जी का गाना है तो ये 9 दिन हो गया है, 526 व्यूज है, लेकिन यहाँ पे आपको पवन सिंह जी का गाना आपको खोजते रह जाइएगा, लेकिन नहीं मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिल्पी राज के साथ साथ नील कमल सिंह जो गाना गाए, मात्र 6 घंटा हुआ है, 274 के व्यूज है, ताल ठोक तबला पा, ये गाना है, बहुत ही लाजवाब गाना है और ये ट्रेंड कर रहा है 9वें नंबर पे, ठीक है। मैं इसे जैसा प्ले करता हूं, ये गाना बहुत ही जबरदस्त गाना है, ताल ठोक तबला पर, ठीक है। तबला से स्टार्ट हुआ था और तबला पे एंड करने वाले हैं नील कमल सिंह जी, जो कि बहुत ही बेहतरीन गाना है, मतलब शिल्पी राज गाई हैं और ये ट्रेंड कर रहा है 9वें नंबर पे, आप देख सकते हैं। गाने के बारे में बाद में बात करूंगा, ठीक है, लेकिन म्यूजिक जो जबरदस्त है, म्यूजिक जो धांसू है वो है आर्या शर्मा का। पूरा गाना आप लोग सुनिएगा तो दिल खुश हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये है आपका ट्रेंडिंग सेक्शन, जो कि ट्रेंडिंग सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है, आप देख सकते हैं नील कमल सिंह का गाना, एक नए सिंगर्स का गाना वीवी वेब म्यूजिक से, कैसे ट्रेंडिंग जाता है, कैसे कम व्यूज पे भी ट्रेंडिंग सेक्शन में चला जाता है, तो उसके बारे में मैं वीडियो बना करके डाला हूं, आप वो देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि आखिर में कैसे गाना ट्रेंडिंग सेक्शन में जाता है। लेकिन पवन सिंह का गाना यहां पे ट्रेंड नहीं कर रहा है। एक चीज और मैं बता दूं, इससे पहले मैं बोला था कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का बैक सपोर्ट है फीमेल सिंगर का। फीमेल सिंगर कौन? शिल्पी राज, शिवानी सिंह, ऐसे ऐसे लोग। इन लोग अगर गाना नहीं गाएंगे इन लोगों के एल्बम पे, तो चैलेंज करता हूं इनका ट्रेंडिंग सेक्शन कभी जिंदगी में नहीं जा पाएगा। अगर अकेले गा करके दिखा दें, अगर ट्रेंडिंग सेक्शन में चला जाएगा तो आप लोग जो बोलिएगा वो करने को तैयार है। समझ में आया कौन है ट्रेंडिंग स्टार,
कौन है पावर स्टार। अरे बेवजह आप किसी को टैग दे देते हैं, टैग की गरिमा को बरकरार नहीं रखते हैं और उसको कहते हैं पावर स्टार। भैया पावर स्टार मतलब पावर होता है, और पावर अगर देखना है तो नील कमल सिंह को देखिए, शिल्पी राज को देखिए, प्रमोद प्रेमी को देखिए, और देखा जाए तो ट्रेंडिंग स्टार खेसाई लाल को देखिए। इसे कहते हैं असली पावर। जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उस फील्ड को पावर दिखा रहे हैं, उस फील्ड को बरकरार, उस काम को बरकरार रखे हैं, मेंटेन करके रखे हैं, उसका नाम है पावर। पावर स्टार ऐरे गैरे को, जिसको तिसको अगर आप पावर स्टार दे का नाम दे दीजिएगा तो उसको पावर स्टार सही मायने में नहीं बोला जाएगा। अगर सही मायने में देखा जाए तो म्यूजिक इंटरटेनमेंट के जरिए से अगर देखा जाए तो पावर स्टार का ये तमाम लोग हैं जो नील कमल, शिल्पी राज, प्रमोद प्रेमी, खेसारी लाल यादव हैं। ट्रेंडिंग स्टार का टैग यूं ही नहीं दिया गया, क्योंकि ट्रेंडिंग स्टार मतलब कि उनका जितने भी गाना है 70% ट्रेंडिंग में जाता था, लेकिन आज के डेट में भले 4-5 गाना उनका फ्लॉप गया है, व्यूज नहीं गई है, लाइक्स नहीं गया है, ट्रेंडिंग सेक्शन में घुसा नहीं है अभी तक, इसका मतलब यह नहीं कि वो शेर बुढ़ा हो गया। शेर कितना भी बुढ़ा हो जाए लेकिन मांस ही खाता है, घास नहीं खाता है। और चैलेंज करता हूं खेसारी लाल यादव पे, इतना कॉन्फिडेंस है, मैं सपोर्टर नहीं हूं खेसारी लाल यादव का और ना मैं विरोधी हूं पवन सिंह का, लेकिन जो दिखता है वो बिकता है। खेसारी लाल यादव का गाना जो न्यू रिलीज हुआ, भले वो ट्रेंडिंग सेक्शन में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी एक एक महीना तक उनका आज के डेट में भी गाना ट्रेंडिंग में जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अपने ट्रेंडिंग टैग का जो गरिमा है वो बरकरार रखे हैं। बस देखना यह है कि ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव अब न्यू गाना गाते हैं तो उस गाने में क्या धमाल करते हैं, देखना बाकी है। लेकिन इस बार नील कमल सिंह ट्रेंडिंग स्टार का टैग ले चुके हैं और नील कमल दिखा दिए कि हां भाई ट्रेंडिंग स्टार किसे कहते हैं, गाना को ट्रेंडिंग में कैसे लेके जाया जाता है वो अगर सीखना है तो नील कमल सिंह जी से सीखिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बहुत मेहनत करता हूं, अथक प्रयास करता हूं वीडियो बनाने में, पसीना बहा देता हूं, एकदम से गर्मी में बर्बाद हो जाता हूं, इसके बाद वीडियो बनाता हूं और आप लोगों तक सच्चाई और फैक्ट दिखाने का कोशिश करता हूं। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेगी और इससे भी बेहतर बेहतर और फैक्ट फैक्ट वीडियोस आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। मैं क्लियर बता दूं आप लोगों को कि ना मैं किसी का विरोधी हूं और ना मैं किसी का प्रशंसक हूं। जो अच्छा गाना गाएगा और जिनका गाना ट्रेंडिंग सेक्शन में जाएगा उसके बारे में एकदम से खुल के बात करूंगा। आप लोगों को बुरा लगता है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सच कड़वा होता है। आई थिंक आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगर हमारी मेहनत को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।